सबसे पहले हाय ज्योतिका, वेलकम टू फिल्मी बीट। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रुबीना से मिलकर, उनके लिए खेलकर एक हफ्ता? क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा बिग बॉस का घर? एक्सपीरियंस रहा मेरा बिग बॉस के घर में, और तो होनी थी। और बिग बॉस के हाउस में जो मैंने टास्क टास्क परफॉर्म किया, उसमें जब मैं जीती तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। ग्रेट। एंड डेफिनेटली आपने आपके आपके अपने चैनल पर भी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसा रहा था बिग बॉस का सफर आपके लिए। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि इतने टाइम से आपने देखा है रुबीना का गेम एंड जिस तरीके से वो खेल रही हैं, उसके ऊपर आपको क्या कहना है कि लोग उतना रुबीना से प्यार कर रहे हैं बाहर, उनका इस गेम को ओवरऑल उनकी जर्नी आप कैसे देखते हो? उनकी जर्नी अप्स एंड डाउन्स के साथ पूरी भरपूर रही है, ये सो तो सबने विटनेस किया है। बट जैसे जैसे उनके सामने पहाड़ बन के प्रॉब्लम्स आती थी और वो उनको क्रॉस करती थी, उनको ओवरकम, अच्छा लगा वो सब देख के। एंड इवेंचुअली अब वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है अब, और जिस तरह से वो आगे बढ़ती आई और सबके दिल जीतती है, हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। ओके एंड जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिग बॉस में आप गई भी थी, जब भी राहुल और रुबीना का झगड़ा भी हुआ तो आपने काफी डिफेंड भी किया है और आप जो है चीजें बोलती हो, लेकिन आपको क्या लगता है इन दोनों के झगड़े क्यों होते हैं राहुल और रुबीना के? इसमें आपको कौन सही लगता है कौन गलत? मुझे ये लगता है इनके झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जो इन थॉट प्रोसेस है दोनों क्लियर है। मतलब जो चीज रुबीना के लिए सही है वो सही है और जो राहुल के लिए सही है वो सही है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है और रिस्पेक्टिवली दोनों के अच्छे अच्छे मतलब ठीक होते। वही है कि सबके का दायरा अलग होता है।